अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ ईदगाह रोड स्थित होटल करीम को आज मेरठ विकास प्राधिकरण ने अनाधिकृत निर्माण पाते हुए सील कर दिया। होटल का आज ही उद्घाटन होना था। प्राधिकरण का कहना है कि SR डेवलपर्स द्वारा इस होटल का निर्माण मेरठ विकास प्राधिकरण को कंपाउंडिंग की कागजी प्रक्रिया में उलझाकर अनाधिकृत रूप से किया गया है। दिलचस्प तथ्य यह है कि आमजन की आंख में धूल झोंकते हुए यह निर्माण हरा कपड़ा डालकर और प्राधिकरण द्वारा अप्रूव्ड का बोर्ड लगाकर किया गया था। अनाधिकृत निर्माण सूंघते घूमने वाले प्राधिकरण के जिम्मेदार अफसरों व अभियंताओं को यह तब क्यों नजर आया, यह जांच का विषय है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि SR डेवलपर्स द्वारा शहर में जितने भी निर्माण किए जा रहे हैं सभी विवादों के घेरे में हैं। अप्सरा सिनेमा का निर्माण भी इसमें शामिल है। बिना पार्किंग इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स वहां कैसे खड़ा हो गया, इसका जवाब प्राधिकरण के पास फिलहाल नहीं है। इस निर्माण के चलते ही घंटाघर स्थित मुख्य डाकघर की इमारत में भी दरार आ गई थी, जिस कारण डाकघर बंद पड़ा है। विवादों में घिरे SR डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई न होने के पीछे राजनीतिक संरक्षण होना बताया जा रहा है। डेवलपर्स द्वारा होटल से सटे नाले को भी पाट कर उस पर विशाल जनरेटर रख दिया गया था। नाले को अवैध रूप से पाट कर जनरेटर रखने की शिकायत भी नगर निगम से की गई है। मौके पर मौजूद प्राधिकरण अफसर ने यह जानकारी दी। ये निर्माण बिना स्वीकृति मानचित्र के बनाया जा रहा था, इस पर हमारे द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई है और इस पे पिछली बार भी एक बार सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, जिसको इन्होंने तोड़ के चोरी छुपे और इस समन मानचित्र और इन सबकी आड़ में निर्माण किया है, तो उसके ऊपर अब सीलिंग की कार्रवाई की गई, अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी और इसी तरीके से कई और अवैध निर्माण जो बन रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर आज इसका उद्घाटन था? हाँ, आज मेरे संज्ञान में आया है कि इसका उद्घाटन था आज। अच्छा सर, एक चीज और कि होटल बनता रहा और कार्रवाई नहीं हुई, सवाल नहीं? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होती है और कार्रवाई की गई है। इस पे उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं में पूरी कार्रवाई की गई 26, 27, 28 में। बट हुआ यूँ है कि इन्होंने कंपाउंडिंग के एप्लीकेशन डाले और उनकी प्रोसेसिंग में जो समय मिलता है उस समय के बीच में चोरी छुपे निर्माण को पूरा कर लिया गया। अब हमारी तरफ से इन पर सीलिंग की कार्रवाई की गई, परिसर को पूरा सील कर दिया गया और इसके आगे भी अग्रिम कार्रवाई की गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। KMC कैंसर संस्थान, KMC हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है।